कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर झुलस गए। हादसा इतना भीषण था कि बॉयलर के पास काम कर रहे एक मजदूर के चिथड़े उड़ गए। घटना बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र थर्ड फेज में महालक्ष्मी प्रोसेस हाउस में दोपहर 2 बजे हुई। थानाधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि दोपहर 2 बजे कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर बॉयलर में प्रोसेस कर रहे थे। इस दौरान बॉयलर का तापमान बढ़ने पर वो अचानक फट गया। हादसा इतना भीषण था कि बॉयलर के पास काम करे दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन आने बुरी तरह झुलस गए। धमाके से फैक्ट्री का एक हिस्सा धराशाही हो गया। धमाके की आवाज सुन वहां भीड़ जुट गई। अन्य मजदूर हादसे की चपेट में आए। सभी मजदूरों को निजी वाहन से बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल ले जाया गया। धमाका इतना भीषण था कि मलबे में एक मजदूर के शरीर के अलग अलग हिस्सों में मिले। अस्पताल पहुंचे साथी मजदूरों ने बताया कि हादसे में जवाहरलाल निवासी बालोतरा, मेघाराम प्रजापत निवासी गोल स्टेशन बालोतरा की मौत हो गई। वही दिवेंद्र खेताराम सवाई का इलाज चल रहा है। बालोतरा हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश खत्री ने बताया कि हादसे के बाद हॉस्पिटल प्रशासन एक्टिव हो गया था। जैसे ही घायल आए उनका इलाज किया गया। इलाज के दौरान लाए गए मजदूरों के शरीर पर ज्यादा चोट नहीं थी। उनका प्राथमिक उपचार कर सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। दिवेंद्र की हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बालोतरा SDM राजेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे।